सभी दशकों के ऊपर भगवान श्री हरि का माँ लक्ष्मी का माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कपादृष्टि हमेशा बनी रहे, आप सभी का कल्याण हो। आइए जानते हैं कि कैसी रहेगी आज के दिन आपकी ग्रहों की चाल, सितारों की चाल, क्या कहती है आज के दिन किस्मत आपकी, आज के दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करना है क्या नहीं करना है, इन सब पे चर्चा करेंगे। साथ ही जानेंगे कर्ज रूपी राक्षस से मुक्ति दिलाने वाले कुछ सरल से उपाय। अगर आप कर्ज में डूबे हुए हैं, लोन में डूबे हुए हैं, तो कुछ ऐसे उपाय जिससे आपको कर्ज से मुक्ति मिल सकती है। तो शुरुआत करते हैं पहले दैनिक राशिफल के साथ में। प्रथम जो राशि वो है मेष राशि। मेष राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज चिंताओं से बचिएगा, फिक्र से बचिएगा, क्योंकि जो ये फिक्र है, जो चिंता है, ये किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, सॉल्यूशन नहीं है। जीवन में जो न्यूनता आ गई है, एक गैप जो क्रिएट हो गया है, वो बहुत जल्द फिलअप हो जाएगा। कोशिश कीजिएगा आज कहीं कोई गलत निवेश ना करें, क्योंकि धन से अधिक स्वास्थ्य की हानि आज आपको परेशान कर सकती है। आज के दिन की सफलता के लिए चावल मूंग का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वह है वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज समय से लड़ने की बजाय अपने आप को समय के समर्पित कर दें, समय के अनुसार ढालने का प्रयास करें, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बनाए रखें, और जो भी आपके आज के उद्देश्य हैं, जो आप अपने काम डिसाइड कर रखे हैं, उनके लिए आज आपको मेहनत करनी होगी। आज के दिन की सफलता के लिए गौ माता को पालक खिलाकर दिन की शुरुआत की जाएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि मिथुन राशि। कार्यक्षेत्र में आज अचानक बाधा उत्पन्न होने के कारण जो भी काम का समापन है वो थोड़ा देर से हो सकता है, तो जल्दबाजी मत कीजिएगा, फोकस बनाए रखिएगा और व्यर्थ की चिंताओं से बचिएगा। तुलसी जी में जल का अर्थ प्रदान कीजिएगा, परिक्रमा कीजिएगा, उसके बाद दिन की शुरुआत कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। पंडित जी, आगे की राशियों की तरफ बढ़ने से पहले एक दर्शक जुड़ी है हमारे साथ, संगीता जी हैं रावत फाटा से। पुत्री किरण के लिए जानना चाहती है, किरण की जन्म की तारीख है 9/1998 और जन्म का समय है सुबह का 9 बजे का। संगीता जी स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। अपने टीवी का वॉल्यूम जरा कम कर लीजिए संगीता जी, और अपना प्रश्न पूछिए। अपनी समस्या बताइए संगीता जी। पंडित जी लगता है कि संगीता जी तक हमारी आवाज पहुंच नहीं पा रही है। पंडित जी अपने भविष्य के लिए जानना चाहती थी, वो साथ ही अपनी जो पुत्री किरण है उसके विवाह के लिए भी जानना चाहती है। देखो बेटा, संगीता जी आपकी जो बच्ची अभी तो वैसे बहुत छोटी है, 98 का ही जन्म है इसका, इतनी जल्दी अभी विवाह करना भी नहीं चाहिए। राहु की महादशा इसको अभी शुरू हुई है बच्ची को 2014 से। राहु की महादशा, गुरु का अंतर, इसके विवाह का जो भी योग बनेगा वो 2019 में बनेगा, उससे पहले अभी कोई योग भी नहीं है। सूर्य बुध बुध आदित्य योग है, मंगल उच्चिका है, जन्म कुंडली बहुत अच्छी है। अगर ये कंपटीशन की तैयारी करे, सरकारी नौकरी की तैयारी करे, तो इसका गवर्नमेंट जॉब लग सकता है, सरकारी नौकरी इसको प्राप्त हो सकती है। शिक्षा के क्षेत्र में, टीचिंग वगैरह लाइन में भी इसको सरकारी नौकरी प्राप्त हो सकती है। इसकी कुंडली बहुत अच्छी है बच्ची की, मांगलिक है, लेकिन उच्च का मंगल होने के कारण मंगल का दोष भी खत्म हो जाता है। और ओवरऑल मिला के अगर हम देखें तो कुंडली बहुत बढ़िया है। सिर्फ राहु की चूँकि महादशा है, तो राहु की शांति के लिए गोमेद रत्न आता है, गोमेद बोलते हैं उसको, 5.5-7 रत्ती का चांदी में मध्यमा उंगली में इसको धारण करवा दीजिए, या गले के अंदर पेंडेंट बनाकर रविवार के दिन धारण करवा सकते हैं। दूसरा, रविवार के दिन पास में कोई भैरव जी का मंदिर हो तो वहाँ दाल की कचौरी, दही, इमरती अवश्य चढ़ाएं, कम से कम 11 रविवार इस बच्ची के हाथ से। नियमित रूप से तुलसी जी की परिक्रमा करें, तुलसी जी की में जल का अर्थ प्रदान करें, घी का दीपक लगाएं, निश्चित तौर पर इस बच्चे का भविष्य उज्जवल रहेगा। तो दर्शकों, अगर आपको भी कोई समस्या है जिसका आप समाधान जानना चाहते हैं हमसे, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होता रहेगा। पंडित जी के लिए नवलगढ़ से भी एक दर्शक जुड़ी है हमारे साथ, धनवंतरी जी हैं। जन्म की तारीख है इनकी 3/11/1972 और जम का समय है 1:42 का। धनवंतरी जी स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। जी सवाल पूछिए धनवंतरी जी। जी मेरी शादी के 20 साल हो गए, मैं शादी के बाद बहुत परेशान हूँ, मेरे पति का काम वाम कुछ भी नहीं है। मैं शादी के बाद बहुत परेशान हूँ, 20 साल हो गए शादी को,
हेलो, मैं शादी के बाद बहुत परेशान, 20 साल हो गए मैं शादी को, मेरे पति एकदम भोले हैं, सास ससुर ने निकाल रखा है, जब से क्या करूं। देखिए ऐसा है धनवंतरी जी, जहाँ तक आपकी जन्म कुंडली का सवाल है, अगर आप आपके पति की जन्म कुंडली भी बताती तो शायद ज़्यादा अच्छा रहता। और भगवान ने मनुष्य जीवन दिया है तो परेशानी भी साथ में दी है। आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से आपकी कुंडली के अंदर सूर्य नीच का है, शुक्र नीच का है। सूर्य जब नीच का हो जाता है तो व्यर्थ का अपमान अपयश करवा देता है। आप किसी के लिए लाख अच्छा कर लें तो भी आपको उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा, उसका मान सम्मान में कमी कर देता है। शुक्र नीच का है तो कहीं ना कहीं वो भी दाम्पत्य जीवन में कड़वाहट पैदा कर देता है। सरल से उपाय हम आपको बता देते हैं जो आपको करना है। आपको करना क्या है, एक तो नियमित रूप से सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होने के पश्चात में सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, तांबे के कलश में जल भर के सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। उसके अलावा हर शुक्रवार को छोटी कन्याओं को कुछ ना कुछ गिफ्ट प्रदान कीजिए, कभी रबड़, कभी पेंसिल, कभी कॉपी, कभी बक्कल, ऐसा हर शुक्रवार को एक लड़की को 27 शुक्रवार तक करना है। घर में जब आप खाना बनाती हैं तो खाना बनाते समय आपका जो मुख है वो पूरब दिशा की तरफ होना चाहिए, जिधर से सूरज उदय होता है उस तरफ आपका मुख होना चाहिए। तो ये सरल से उपाय कीजिएगा, निश्चित तौर पर उससे आपको फायदा होगा। पंडित जी, आगे बढ़ने से पहले एक दर्शक और हमारे साथ जुड़ी है, अजमेर से जसवीर जी हैं, जो कि अपने भांजे के बारे में जानना चाहती है। इनके भांजे की जन्म की तारीख है 29/8/1984 और जन्म का समय है रात्रि का 11:30 का। जसवीर जी स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। जसवीर सवाल पूछिए अपना। हाँ जी, नमस्ते पंडित जी। जय श्री कृष्ण बेटा। पंडित जी, मेरा भांजा है, उसकी कोई रिश्ते की बात नहीं चल रही है। देखो बेटा, आपके जो भानिज हैं उनकी जन्म कुंडली में गुरु की महादशा और शुक्र का अंतर चल रहा है। वैसे देखा जाए तो इनकी जन्म कुंडली के अंदर जो शुक्र है, विवाह के घर का जो स्वामी होता है शुक्र, वो नीच का होके बैठा है। कोई ग्रह जो कि विवाह के घर का कारक हो वो नीच का हो जाए तो विवाह के सुख में कमी कर देता है, या तो विवाह करवाता नहीं है और विवाह हो जाए तो विवाह के सुख में कमी हो जाती है। यदि आप चाहते हैं कि इनके जीवन के अंदर सब कुछ अच्छा रहे और जल्द से जल्द इनका विवाह हो जाए तो सबसे पहला काम तो ये करना है कि एक पन्ना रत्न आता है, एमरल्ड बोलते हैं उसको इंग्लिश में, 5.25 रत्ती का पन्ना रत्न सीधे हाथ में सबसे छोटी उंगली के अंदर सोने में उसको धारण करवा दीजिए। वजन के बराबर गुड़ का दान गौशाला के अंदर करवा दीजिए और हर शुक्रवार को एक एक कन्या को कुछ ना कुछ गिफ्ट देना है, ये अपने हाथ से दें या इनके पेरेंट्स दें 27 शुक्रवार तक। जन्म कुंडली के हिसाब से अगले वर्ष की शुरुआत में इनका विवाह का योग बन रहा है, यानी इसी साल के अंत में विवाह का योग शुरू हो जाएगा जो 3 अप्रैल तक रहेगा। सिर्फ शुक्र की शांति के लिए मैंने जो उपाय बताए वो कर लीजिए, पन्ना रत्न धारण कर लीजिए, वजन के बराबर गुड़ का दान करवा दीजिए, बहुत जल्दी शादी हो जाएगी। पंडित जी, एक दर्शक और जुड़ी है हमारे साथ, किरण जी हैं रावत भाटा से, जो कि अपनी भाभी के बारे में जानना चाहती है। पंडित जी, उनकी भाभी के जन्म का समय और जन्म का जो तारीख है, दिनांक है, उन्हें नहीं पता है। किरण जी आपका स्वागत है, सवाल पूछिए। जय श्री कृष्ण बेटा। जी, मैं अपने छोटे भाई बारे में पूछना चाहती हूँ। उनकी लाइफ में उनकी लाइफ में नौकरी वगैरह है नहीं है, जो जो नाम क्या है? राधा नाम बोलता, नाम तो उसका राधा है, बाकी जन्म नाम उसका उर्मिला है। डॉक्यूमेंट्स में क्या नाम है? उर्मिला। डॉक्यूमेंट्स में जी कोई कंपटीशन दे रही है अभी? अभी कुछ भी नहीं दे रहा। तो फिर नौकरी कैसे मिलेगी जब कंपटीशन नहीं देंगे? तो उपाय बताइए। ऐसा है, इनको बोलिए कि कंपटीशन की तैयारी करें, इनकी नौकरी का योग है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर पढ़ाई को जारी रखें विवाह के पश्चात में भी, और जो भी कंपटीशन फाइट करते हैं प्रश्न कुंडली के अनुसार से, इनकी जन्म कुंडली में निश्चित तौर पर सरकारी नौकरी का योग बनता है। और अगले 2 साल के अंदर अगर ये पूरी तैयारी करें, मेहनत करें, भगवान भी कहता है कि मैं फल तब दूंगा जब तू प्रयास करेगा। आप कोई घर बैठ के आके तो नौकरी देने से रहा, तो आपको प्रयास करना चाहिए, प्रयास करेंगे तो निश्चित तौर पर सफलता आपको प्राप्त होगी। तो चलिए दर्शकों, भी के लिए आगे बढ़ते हैं और अब जान लेते हैं आज क्या कुछ खास है कर्क सिंह और कन्या राशि वाले जातकों के लिए। कर्क राशि की बात कर लेते हैं। आज अपने क्षमता पर संदेह मत कीजिएगा, दूसरों की बातों में मत आइएगा, आपकी सोच समझ को काम में लीजिएगा।
कभी कभी ऐसा होता है कि दूसरों की सलाह लेने की बोलते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि दूसरों की सलाह खुद के लिए हानिकारक बन जाती है। तो आज दूसरों की सलाह मत लीजिएगा। छोटे बच्चों को अमरूद के फलों का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि, सिंह राशि। सिचुएशन जैसे आप सोचते हैं ज़रूरी नहीं कि वैसे सिचुएशन उस दिन बने, और जब सिचुएशन हमारे हिसाब से नहीं होती तो हम स्ट्रेस में आ जाते, तनाव में आ जाते। तो आज हमें तनाव को कम करना है और ईश्वर पर भरोसा रखना है कि जो वो कर रहा है वो हमारी भलाई के लिए कर रहा है। और आज के दिन की सफलता के लिए हनुमान चालीसा का, सरसों के तेल का दीप जलाकर पाठ कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि, कन्या राशि। किसी भी चीज़ के पीछे भागने की बजाय हमें ये देखना चाहिए, प्रयास करना चाहिए कि उस चीज़ को पाने का रास्ता क्या है, रुकावटें क्या हैं, रुकावटों का समाधान क्या है। कहते हैं कि सोच समझ कर ध्यान से की गई तैयारी हमेशा फलदायक साबित होती है। आज के दिन की सफलता के लिए मंदिर में मटके का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा।